बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों की उड़ान को नई मोड़ दे। अबोम एंड प्लेजेंट गुड मॉर्निंग, प्रियंका के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको पता है, आज मैं जैसे ही जा रही थी अपनी लाइब्रेरी की ओर, तो मैं देखी बहुत सारे कबूतर ऐसे उड़ रहे थे। मतलब इतना अच्छा अनुभव हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। बहुत अच्छा लग रहा था कि देखता उड़ता हुआ देख, नई सुबह से लग रहा था सुबह कुछ नई नई सी हुई है। उससे उसके बाद मैं चलते फिरते फिर लाइब्रेरी पहुँच, लाइब्रेरी पहुँच के मैंने पढ़ाई की। आपको पता है कि एक बात मुझे हमेशा लगता है कि हमें पढ़ते समय एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, कि पढ़ते समय हमें अपनी वो मासूमियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमेशा पढ़ते समय वो मासूमियत याद रखनी चाहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी देते रहनी चाहिए, और बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते रहना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि मेरे पढ़ाई में इतना उलझ जाता है ना, खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, आज मैं कुछ हॉर्लिक्स वगैरह पी और नाश्ता कुछ ब्रेकफास्ट में की ही नहीं, तब मैं लाइब्रेरी में पोहे लेके गई। वो रास्ते में दिख गया तो ले ली, वरना मैं लेती भी नहीं। ऐसे ऐसे ही कुछ मिस्टेक हम सभी स्टूडेंट करते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि यार अपन मैनेज करते हैं ना पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना। मैं भी कर रही हूँ, और मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे होंगे या फिर बड़े देख रहे होंगे या फिर जो मेरे हम उम्र के देख रहे होंगे, उन लोग से यही कि यार तुम लोग भी मेरी तरह खाने पर बीच बीच में ध्यान देते रहना, नहीं तो क्या पता हॉस्पिटल पहुँच जाओ मेरी तरह कभी कभी। तो यही हमारे सर की क्लासेस चल रही थी, मैं क्लासेस ले रही थी और खा ना मतलब ब्रेकफास्ट नहीं मैं तो कंटिन्यू किया, ब्रेकफास्ट कर लिया। ऐसा कभी हो नहीं कि शाम ढले और सुष्मिता का आदेश ना आए। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ी रही थी, शाम के लगभग 8-9 बज गए थे, तभी सुष्मिता बोली कि आ रही हो रूम की नहीं। मैं बोली हाँ आ रही हूँ, मेरे लिए यार कुछ बना देना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो मैं जैसे रूम पहुँची, मासूमियत से शक्ल लिए टेढ़ी कद खेल रही थी वो, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, उसको मैंने स्लो मोशन पे डाल दिया। और पता है उसने बोला कि यार कुछ अच्छा सा बना दे, तो मैंने बोला कि ठीक है जगह पर चावल और चोखा बना देती हूँ, हमारे बिहार झारखंड में फेमस है। फिर रूम में मैं आई, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद उसके लिए कुक करने लग गई कि इसको खाना था, तबीयत ठीक नहीं है तो रूममेट का और फ्रेंड्स का ध्यान तो रखना ही पड़ता है सबके साथ साथ। यार क्या बोलते, एकता में बहुत ताकत होती है, तो हमें हम हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। यार मैं बता दूं, मैं एक अच्छी कुक नहीं हूँ, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, ना मुझे आता है ना सुष्मिता को आता है। अपन जैसे तैसे बस खाने लायक कि पेट ठीक रहे बना लेते हैं, पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है। बस आज की वीडियो में इतना ही।